बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसमें मैं आपको अपनी ईद की जो मैंने शॉपिंग की है वो दिखाऊंगा। जाहिर बात है, जब ईद करीब आ जाती है तो हर कोई अपने यानी कपड़े जूते वगैरह लेते हैं। तो मैंने भी लिए। ईद में मैंने जो है दो शलवार कमीज बनाई और एक पैंट शर्ट बनाई है, साथ में एक सैंडल है और एक खेड़ी है। सारी टाइम कौन सा था, वो मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ था, बादल छाए हुए थे, लेकिन जोर के टाइम काफ़ी गर्मी शुरू हो गई। तो असर टाइम ना काफ़ी घुटन बन गई, यानी हर तरफ बादल भी छाए हुए थे लेकिन हवा भी नहीं चल रही थी। तो जब भी मैंने इफ्तारी की तो मैं जब बाहर गया तो मैंने देखा कि ना काफ़ी ज़्यादा आंधी चल गई थी। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 7:30 का, तो अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो मौसम काफ़ी अच्छा बना है। बारिश भी हो रही है और साथ में हवा भी चल रही है। और आपको मैंने एक और ज़रूरी बात बतानी थी कि मेरा एक दूसरा चैनल आ रहा है फैक्ट होस्ट के नाम से है। तो अभी मैं उसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता क्योंकि मैंने अभी वो अकाउंट क्रिएट नहीं किया। तो उसकी पहली वीडियो जो है वो इंशाल्लाह ताला ईद के फौरन बाद आ जाएगी, यानी ईद का जो तीसरा दिन होगा, ईद के चौथे दिन वीडियो उसकी अपलोड मैं कर दूँगा। मैं और मेरा एक और दोस्त है मिलकर उस पर काम कर रहे हैं, उस पर हम अपने फैक्ट्स वगैरह बताएँगे या फिर किसी भी पहले के किसी वीडियो का रिव्यू देंगे या फिर टॉप 5 वगैरह ऐसे की चीज़ें बताया करेंगे। तो अभी मैं आपको सबसे पहले अपनी जो ईद मैंने शॉपिंग की है वो दिखाता हूँ। तो ये सबसे पहले मेरा सूट है, ये कॉटन का सूट है। तो मैं आज ही मैंने इसको माया लगाया था, तो मैं इसको प्रेस करवाने के लिए ले गया, तो उसने आज प्रेस करके दे दिया। तो आप ये देख रहे होंगे ये क्या हुआ है। तो ये आज मैं आग लगा रहा था तो उस वजह से मेरा ये जल गया, तो मैंने ऊपर मेडिकेम जो थी ना वो लगा ली। तो ये सूट काफ़ी प्यारा है, इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है। इसको मैं खोलूँगा नहीं क्योंकि दोबारा प्रेस करना ना और दोबारा इसको तय लगाना काफ़ी मुश्किल होती है। तो ये है मेरी पैंट शर्ट, फैशन अट्टा जड़ा वाला में उनसे लिया, उन्होंने काफ़ी अच्छी प्राइस पर दे दी थी। तो ये है मेरी पैंट, ब्लैक कलर की है तकरीबन। ब्लैक कलर की पैंट है और काफ़ी अच्छी है। इसके प्राइस पैंट के जो 1300 कह रहा था तो मैंने उससे बहस करके 1200 की मैंने उसे ले ली। ये शर्ट पहले मैंने पर्पल इस कलर की तकरीबन शर्ट ली थी, पर्पल ब्लू मिक्स ही था, चेक की शर्ट थी, लेकिन जब मैं दोबारा पैंट वापस करवाने गया तो मुझे ये शर्ट पसंद आ गई थी क्योंकि मेरे पास पहले कलर था भी नहीं। तो ये कलर काफ़ी प्यारा भी है। इस शर्ट की जो प्राइस है वो 700 रुपये है। इस पे जो है वो तकरीबन ये जाली टाइप बना हुआ है, लेकिन ये जाली नहीं, ये काफ़ी यानी हवादार रहेगा और ठंडी है, ये कॉटन की पैंट शर्ट है। जो तीसरा सूट है ना वो वॉशिंग वेयर का है, वो आपको नहीं मैं दिखाऊंगा क्योंकि वो ना अंदर पड़ा हुआ है इस वजह से। सबसे पहले मैंने ये खेड़ी लिया जो कि मैं इसके फर्स्ट इन कॉटन का सूट है, उसका भी कलर यही है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, उसके नीचे पहनूंगा। तो ये खेड़ी मैंने फैसलाबाद चेजअप से ली थी। देखिए ये खेड़ी ना, इसका कलर भी काफ़ी प्यारा है और इसका स्टाइल भी ना काफ़ी प्यारा, नीचे से ये ना काफ़ी सॉफ्ट है, इस वजह से मैंने ली। इसकी प्राइस तकरीबन 1500 रुपये है। हाँ जी, ये 1500 की मैंने ली थी। उसके बाद ये सैंडल है, इनको मैं पहनने नहीं वाला क्योंकि मेरे पास शूज़ हैं पहले, तो पैंट शर्ट के नीचे मैं कोशिश करूँगा वही पहन लूँ। ये तो मैंने वैसे लिए थे, इनके प्राइस मेरे ख्याल तकरीबन ये 1100 रुपये के आए हैं। ये इतने कोई ना एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन प्यारे हैं फिर भी। ये देखना, यानी इनको बंदा स्लीपर के तौर पे भी यूज़ कर सकता है। शॉपिंग की थी तो इसका कुल बिल अगर बनाए तो 5 से 6 हज़ार रुपये बनता है। तो सबसे पहले मैंने दूसरे चैनल के लिए एक माइक्रोफोन लिया था,
तो उसकी मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। ये इसकी प्राइस तकरीबन ये है वो माइक्रोफोन, तो इसकी प्राइस 350 मांग रहा था तो मैंने उसको 300 लास्ट लिए। तो अभी हम इसको खोलते हैं। ये देखो माइक्रोफोन, तो यह माइक्रोफोन तो ये ऐसे लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा ठीक है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में इसको मैं यूज़ करूँगा, उसका रिज़ल्ट आपको बताऊँगा ये कैसा है। तो ये इसके लिए पिन जो कि मोबाइल ले लें या लैपटॉप ले लें उसमें लग जाती है। तो ये माइक्रोफोन मुझे तो काफ़ी पसंद आया, या तो ना तो ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये काम भी काफ़ी अच्छा कर जाता है। अगर हम इससे ये उतारें ऊपर तो अंदर से इस तरह का निकलता है, ये देख लें, इसको हम लगा देंगे। इसलिए होता है कि जब हम बोलते हैं ना तो हमारे मुंह से कुछ वाटर वेपर्स निकलते हैं, तो जब वो माइक से टकराते हैं तो अंदर सू सू की आवाज़ पैदा होती है। तो उसके लिए ये होता है कि अक्सर हमने मसाजिद में देखा होगा वो स्पीकर के आगे कोई कपड़ा वगैरह या वो रुमाल वगैरह बांध देते हैं ताकि ना आवाज़ ना जाए, अंदर छोड़ ना जाए, तो इसलिए इन्होंने ये रखा हुआ इसके सामने। अभी मैं इसको लगा दूंगा अंदर। तो अभी मैं इस माइक्रोफोन को यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको अंदर से डालूँगा ऐसे, ये लग गया। तो अभी मैं इसको ऐसे लगा दूँगा, ये देखिए ये लग गया। तो अभी मैं इसके पिन लगाऊँगा मोबाइल के अंदर, ये पिन लगी मोबाइल के अंदर। तो अभी आप नोट कर रहे होंगे कि पहले की नस्बत से ना आवाज़ ज़्यादा क्लियर आ रही है। अगर इसको मैं ज़्यादा करीब करूँगा मुँह के तो आवाज़ ज़्यादा साफ़ आएगी। अभी मैंने ना ड्राइंग रूम को फुल साफ़ किया है, पहले काफ़ी यानी ना गंद मचा हुआ था अंदर, महीना हो गया था कुछ भी नहीं उसमें साफ़ किया था। तो अभी मैंने उसके सेटिंग भी चेंज की और उसको साफ़ भी किया। पहले ये वाला सोफ़ा जो उनसा था वो उधर था, तो ये बेड ऐसे पड़ा हुआ था, तो ये वाले दो सोफ़े इधर थे जिधर ये वाला सोफ़ा है। तो अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, ये देखें, ये हमने दो बकैन लगाई थी, एक ये है और एक ये है। तो अभी तकरीबन ना दिन निकलने ही वाला है, ये ऊपर देखें अभी बारिश हो रही है हल्की हल्की।